Thank you, Soma. Namaskar. Good morning. As usual, it's a pleasure and honor to be here with you, and thank you, Soma, for the introduction. मैं PIR की तरफ से आज आपके सामने खड़ा हूँ और आप लोगों को देख के काफ़ी खुशी हो रही है इधर. जैसा कि उसामा ने बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट रजिस्ट्री ज़्यादातर लोगों को शायद मालूम हो पहले जो आ चुके हैं. थोड़ा सा एक ब्रीफ में मैं आपको एक संक्षेप में इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. वॉशिंगटन बेस्ड रजिस्ट्री है, लेकिन ये आप ही की कम्युनिटी की एक उसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2002 में चालू की गई थी. एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, इंटरनेट सोसाइटी, जो कि इंटरनेट स्टैंडर्ड्स वगैरह जो बनते हैं दुनिया भर में उनकी ऑर्गेनाइजेशन खुद चलाती है, वो खुद नॉन प्रॉफिट है. तो 2002 में PIR शुरू की गई थी और .org डोमेन नेम. तो जो भी इस दुनिया में नॉन प्रॉफिट हैं, एसोसिएशंस हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे के सारे सब .org और .org डोमेन नेम इस्तेमाल करते हैं. सो वो हम लोग चलाते हैं 2002 से. तो करीब 13-14 साल से हम लोग इस कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं एज अ नॉन प्रॉफिट आर्सल्स. सो दैट इज़ आवर बैकग्राउंड. एंड 2011 के आसपास जब बात शुरू हुई कि कुछ और अलग करना चाहिए, एक NGO कम्युनिटी है जो कि बड़ी स्पेसिफिक है, कहने को एक देयर इज अ ह्यूज कम्युनिटी विच इज़ द सिविल सोसाइटी कम्युनिटी, बट विद इन दैट इज द सबसेट ऑफ NGOs विच हैज़ अ स्पेसिफिक नीड. वी थॉट दैट NGOs वर्क इज रियली इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंटल सेक्टर, इट्स द थर्ड सेक्टर एज दे कॉल इट, एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इन्हांसिंग यू नो एंड ब्रिंगिंग द वर्क ऑफ NGOs टू द फोर. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट मेड अस डू दिस वॉज द फैक्ट दैट कि NGOs का बहुत सारा काम जो है काफ़ी लोगों को दुनिया भर में मालूम नहीं था, उनके सामने इतना विजिबिलिटी नहीं थी. तो हमने कहा चलो उनको कैसे हम लोग अपनी एक्सपर्ट नॉलेज जो है या हमारी जो डोमेन नॉलेज है उससे हम NGO कम्युनिटी को कैसे उसको एम्पावर करें. सो .NGO डोमेन करके हमने इंट्रोड्यूस किया. इसमें करीब 4 साल का काम चला है पीछे से. 2011 में इसको चालू किया था. 2015 में अभी कुछ 3 महीने पहले ग्लोबली इसको हमने रिलीज़ किया, लॉन्च किया इसको .NGO को. और इसमें खास बात यह है कि .NGO स्पेसिफिकली एक .NGO के लिए जो NGOs हैं उनके लिए डोमेन नेम है. तो आज अगर NGOs हैं जो ज़्यादातर .org इस्तेमाल करते हैं, वो .NGO भी लेकर अपना वेबसाइट वगैरह सब .NGO के नाम पर बना सकते हैं. सो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट टू बिगिन विद. एक खास बात ये थी कि जब हम लोगों ने 4 साल में NGO कम्युनिटी के पास जाके बातचीत की, उनसे फीडबैक लेने की कोशिश की, तो ये पता लगा कि काफ़ी लोग जो हैं NGO कम्युनिटी में ग्रास रूट पे खासतौर से ऑनलाइन विजिबल नहीं है. और आजकल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू आर नॉट विजिबल ऑनलाइन, इफ़ यू आर नॉट ऑनलाइन यू आर नॉट विजिबल. ओके, सो इट्स बिट ऑफ एन इशू बिकॉज इफ़ यू आर नॉट विजिबल देन पीपल डोंट नो यू व्हाट यू डूइंग, एंड इट ऑल्सो मेक्स यू कंस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू कैन जनरेट. सो ओवरऑल यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट वर्क, बट देन इफ इट्स नॉट विजिबल टू द वर्ल्ड एज सच, देन यू आर कंस्टेंट इन द अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द स्कोप ऑफ वर्क दैट यू कैन डू. सो टू इनेबल यू टू एम्पावर योर सेल्फ टू डू बेटर वर्क एंड टू स्केल अप योर वर्क टू मेक योर वर्क वेरी विजिबल, वी स्टार्टेड टू यू नो स्टार्टेड द .NGO डोमेन नेम टू सर्व दिस कम्युनिटीज नीड्स स्पेसिफिकली. सो दैट इज़ वॉट वी हैव ट्राई टू डू. एंड आई थिंक इन थ्री सो वी आर बेसिकली राइट नाउ इन इनिशियल फेज वेयर वी आर जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट टू द कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब. One of our focus areas is, of course, India, especially because, as we all know, we are a nation with the largest number of NGOs. 3.1 million is what the latest figures were. That's a very, very large number of NGOs to look at. And as PIR, we are very proud to be associated with DEF in trying to bring this domain name to the community. DEF has been one of our exemplary partners. And as non-profits ourselves, we all understand each other's missions and values and what we all seek to do. And that's what is something that is helping us to be with you here. And as Osama said, you know, as the day goes along, it'll be something really that we will look forward to in terms of interaction. We will
probably also get to know or understand from you what your needs are. So we get you online, and how do we get you online? What are the benefits that you can get by being online, by becoming a .ngo? You have your website with the name of .ngo. Is something that we can talk about as we go further. So any questions, as Osama said, I also had told him in the morning, ki instead of a one-way lecture, I think it'll be better that we interact. And that's what I'm really looking forward to have questions from your side as to what .ngo will be all about, how it can serve your purpose. Any questions that you have, we'll be glad to answer. And that's what you have for. And thank you so much, and congratulations on the fourth year. And meri kamna hai ki ye kai kai saal aage tak chalega hamara partnership, aur aap community ke saath milke hum log is kaam ko aage badhate rahenge. Thank you.